गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत एजुकेशन सर्कल पर। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे सिंथेटिक डिटर्जेंट्स के बारे में। चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, टॉपिक सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स सिंथेटिक डिटर्जेंट्स की बात करें तो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर द क्लीनिंग एजेंट। ये क्या है बच्चों? ये एक तरह का क्लीनिंग एजेंट है। सिंथेटिक डिटर्जेंट क्या है? क्लीनिंग एजेंट है। विच हैव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सोप्स। सिंथेटिक डिटर्जेंट एक क्लीनिंग एजेंट है जिसके पास साबुन की सारी प्रॉपर्टी होती है, बट विच एक्चुअली डू नॉट कंटेन एनी सोप। लेकिन उसके अंदर में सोप नहीं होता है। सिंथेटिक डिटर्जेंट क्लीनिंग एजेंट है, साबुन की सारी प्रॉपर्टियां हैं, लेकिन वो साबुन नहीं है, सोप नहीं है। सेकेंड पॉइंट, डिटर्जेंट्स के बारे में कहा गया, दिस कैन बी यूज्ड इन बोथ सोप एंड हार्ड वाटर एज दे गिव फोम इवन इन हार्ड वाटर। सिंथेटिक डिटर्जेंट सोप और हार्ड दोनों वाटर में यूज किए जाते हैं और इवन हार्ड वाटर में भी ये फोम को जनरेट करता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हार्ड वाटर में भी यूज किया जा सकता है। सिंथेटिक डिटर्जेंट क्लीनिंग एजेंट है जिसके पास साबुन की सारी प्रॉपर्टियां हैं, और ये साबुन नहीं है। दूसरी बात कहा गया कि सिंथेटिक डिटर्जेंट सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर में हम लोग इसे यूज कर सकते हैं और हार्ड वाटर में भी ये फोम इजिली जनरेट कर देता है। ओके, हमारा नेक्स्ट स्लाइड है टाइप्स ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट के बारे में क्लासिफिकेशन। सिंथेटिक डिटर्जेंट को हम लोग तीन पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। सिंथेटिक डिटर्जेंट को हम लोग तीन पार्ट में बांटकर स्टडी करेंगे। फर्स्ट एनायनिक डिटर्जेंट्स, सेकेंड कैटायनिक डिटर्जेंट्स एंड थर्ड वन नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स को हम लोग तीन हिस्से में डिवाइड कर दिया, एनायनिक डिटर्जेंट्स, कैटायनिक डिटर्जेंट्स और नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स। इस तरह से चलिए वन बाय वन हम लोग इसकी स्टडी करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है एनायनिक डिटर्जेंट्स। एनायनिक डिटर्जेंट्स आर सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन। सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल्स और हाइड्रोकार्बन। ये जो हमारा एनायनिक डिटर्जेंट्स है ये सोडियम सॉल्ट है, किस चीज का? सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन का। अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट
are formed by treating long chain alcohol with concentrated sulfuric acid are neutralized with alkali to form anionic detergents. प्यारे बच्चों, एनायनिक डिटर्जेंट बनाने के लिए कहा गया कि हम लोग किसको लेंगे, लॉन्ग चेन अल्कोहल को. किसको लिया जाएगा? लॉन्ग चेन अल्कोहल को, जिसे किसके साथ न्यूट्रलाइज किया जाएगा? न्यूट्रलाइज करते हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और साथ साथ इसमें हम लोग अल्कली मिलाते हैं, तो बन क्या जाता है? अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, जो कि एक एनायनिक डिटर्जेंट होगा, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एनायनिक डिटर्जेंट सोडियम साल्ट ऑफ सल्फेट लॉन्ग सल्फोनेट लॉन्ग चेन अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन होगा. इसे बनाने के लिए हम लोग लॉन्ग चेन अल्कोहल को मिक्स करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जो न्यूट्रलाइज किया जाएगा, और फिर हमें अल्काइल हाइड्रोजन सल्फोनेट मिलेगा, जिसे हम लोग एनायनिक डिटर्जेंट का नाम देंगे. द एनायनिक पार्ट ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व इन द क्लीनिंग एक्शन. जो क्लीनिंग एक्शन में यूज किया जाएगा वो एनायनिक पार्ट होगा. किस चीज का? अल्कोहल का, उस मॉलिक्यूल का. और साथ साथ मोस्टली यूज्ड फॉर हाउसहोल्ड वर्क एंड इन टूथपेस्ट. जो घर में हम लोग डिटर्जेंट यूज करते हैं वो एनायनिक डिटर्जेंट होता है. वो कैसा होता है? एनायनिक डिटर्जेंट. इसे एक इक्वेशन के फॉर्म में भी दिखाया गया है. ये लॉन्ग चेन अल्कोहल हो गया, जो ल्यूडाइल अल्कोहल है. इसे हम लोगों ने H2SO4 के साथ ट्रीट किया, तो हमें मिलता है अल्काइल हाइड्रोजन सल्फोनेट सल्फेट, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट. और फिर इसे यदि हम लोग बेस के साथ ट्रीट कर दे तो हमें मिलता है सोडियम साल्ट ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट, जो कि सोडियम ल्यूराइल सल्फेट है. और ये एक तरह का एनायनिक डिटर्जेंट है, तो अब तक हम लोगों ने स्टडी किया सिंथेटिक डिटर्जेंट्स के बारे में, कि सिंथेटिक डिटर्जेंट क्या है. क्लीनिंग एजेंट्स है, जिसके पास सोप की सारी प्रॉपर्टियां होती है, पर वो एक्चुअली में सोप नहीं है. ये हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों में वर्क करता है. हार्ड वाटर में ये फॉर्म देने के लिए कैपेबल है. सिंथेटिक डिटर्जेंट्स को हम लोगों ने तीन हिस्से में डिवाइड किया, एनायनिक डिटर्जेंट्स, कैटायनिक डिटर्जेंट्स एंड नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स. एनायनिक डिटर्जेंट्स के बारे में हमने बात किया कि ये एक सोडियम सॉल्ट सल्फोनेट लॉन्ग चेन अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन होता है. अल्काइल हाइड्रोजन सल्फोनेट फॉर्म किया जाता है लॉन्ग चेन अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ न्यूट्रलाइज कर, जो हमें बाद में एनायनिक डिटर्जेंट देता है. और एनायनिक डिटर्जेंट्स का एनायनिक पार्ट जो है वही इन्वॉल्व होता है क्लीनिंग एक्शन के लिए, और इसे हम लोग यूज करते हैं हाउसहोल्ड और टूथपेस्ट में. ये एक इक्वेशन है जिसे हम लोगों ने देखा कि ल्यूडाइल अल्कोहल को हाइड्रोजन सल्फेट के साथ, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर ट्रीट करते हैं तो ल्यूडाइल हाइड्रोजन सल्फेट सल्फेट बनता है, जिसे एक्वस NaOH के साथ ट्रीट करने पर सोडियम ल्यूडाइल सल्फेट बनता है, जो कि एक एनायनिक डिटर्जेंट है. इस तरह से अब हमारे पास नेक्स्ट है कैटायनिक डिटर्जेंट्स. कैटायनिक डिटर्जेंट्स आर क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट ऑफ अमीन विथ एसीटेट क्लोराइड और ब्रोमाइड एज अनायन. कैटायनिक डिटर्जेंट्स क्या है? क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट है. किस चीज का? अमोनियम का. किसके साथ बनाया जाएगा? एसीटेट के साथ, क्लोराइड के साथ,
ब्रोमाइड्स के साथ ये सब हमारे एनायन पार्ट्स काम करेंगे। कैटायनिक पार्ट पोजेस लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। कैटायनिक पार्ट क्या होगा? कैटायनिक पार्ट पोजेस लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन। पॉजिटिव चार्ज कहां पर होगा? नाइट्रोजन एटम के पास, इसीलिए हम लोग इसे कैटायनिक डिटर्जेंट कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं? कैटायनिक डिटर्जेंट। सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड इज द पॉपुलर कैटायनिक डिटर्जेंट। ये हमें नाम याद रखना है, सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड इज द पॉपुलर कैटायनिक डिटर्जेंट एंड यूज्ड इन अ हेयर कंडीशनर। किसमें यूज किया जाता है? हेयर कंडीशनर में। ये इस फॉर्मूला इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड का। थर्ड वन हमारे पास है नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स। नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स डू नॉट कंटेन एनी आयंस इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अगर हम लोग नॉन आयनिक डिटर्जेंट की बात करें तो इसमें किसी भी तरह के जो आयनिक पार्ट है वो इन्वॉल्व नहीं होता है। वन सच डिटर्जेंट इज फॉर्म्ड व्हेन स्टेरिक एसिड रिएक्ट विद पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल। किसके साथ रिएक्ट करते हैं? स्टेरिक एसिड को पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल के साथ। तो ये हमारे पास रहा स्टेरिक एसिड और ये रहा पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल। इन दोनों को जब हम लोग मिक्स करते हैं तो हमें मिलता है नॉन आयनिक डिटर्जेंट। और जो लिक्विड डिश वॉशर हम लोग जो यूज करते हैं घरों में बर्तनों को धोने के लिए, उसमें इसी तरह के डिटर्जेंट्स हमें मिलता है जो कि नॉन आयनिक कैटेगरी के होते हैं। तो इस क्लास में हम लोगों ने सीखा कि डिटर्जेंट्स क्या होते हैं और इसके टाइप्स की स्टडी किया। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। एक प्रॉपर नोट्स बनाएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।